हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जहाँ होंगे बहुत मस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम नीट 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हुए हैं, क्योंकि हमें पता है एग्ज़ाम बहुत पास हैं और हमें यहाँ पर क्विक रिवीजन की ज़रूरत है। तो हम लोग एनसीईआरटी को लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि अगर नीट में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्विक रिवीजन के साथ साथ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जिस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसको शेयर कर लें। जैसे आप देख पा रहे हो कि आज आज हम लोग जो एनिमल किंगडम है, यानी फोर्थ चैप्टर है, उसका हम लोग क्विक रिविज़न करेंगे फोर्थ चैप्टर को, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, यहाँ पर हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम देखते हैं कि अपने आसपास हम लोग अपने आसपास डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एनिमल देखते हैं। हम लोग अपने आसपास ऐसे एनिमल देखते हैं जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। और लगभग मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल आर हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ, और अभी तक मिलियन स्पीसीज को हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं। लेकिन जो नई स्पीसीज होती हैं, उन नई स्पीसीज को एक सिस्टमैटिक पोजीशन में, एक नई स्पीसीज को सिस्टमैटिक पोजीशन पे लाने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन के बेस क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर हम क्लासिफिकेशन के बेस देंगे तो हम लोग ऑर्गेनिज्म को अरेंजमेंट ऑफ सेल के बेस पर क्लासिफाइड करते हैं, बॉडी सिमेट्री के बेस पर क्लासिफाइड करते हैं, नेचर ऑफ सीलोम के बेस पर क्लासिफाइड करते हैं, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेस पर क्लासिफाई करते हैं। ये सारे जो फीचर्स हैं यही इन्हीं के बेस पर हम लोग एनिमल को क्लासिफाई करते हैं, यानी सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब हम लोग इसी के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं कि कौन कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लाइन बाई लाइन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, क्विक रिवीजन करना है इसके थ्रू। तो सबसे पहले हम देखें कि जो जितने भी स्पंजेस हैं, जितने भी स्पंजेस हैं उनमें क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जितने भी स्पंजेस हैं यानी पॉलीफेरा फाइलम के जितने भी एनिमल हैं उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बाद यही जो सेल्स हैं ये मोर कॉम्प्लेक्स, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, इनका जो अरेंजमेंट है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा सिलेंटेट्स में, सिलेंटेट में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। और फिर यही टिश्यूज़ क्या होते हैं, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स होने के बाद आपस में मिलकर एक ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ये मोस्टली आपको हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कहाँ कहाँ मिलेंगे, प्लेटेलमेंथीज एंड अदर हायर फाइलम व टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, ठीक है ना। जितने भी प्लेटीहेलमेंथीज हैं, प्लेटीहेलमेंथीज में क्या होगा, आपको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। इसके अलावा अब जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी अब कुछ एनिमल हैं जैसे 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 एनिलीडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का, एनिलीडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनमें क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे किसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, और किसमें ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर इसके बाद हम लोग डिस्कस करें कि ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिस्ट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेलमेंथीज। अब हम अगर ऑर्गन सिस्टम पर जाएं, ये भी कॉम्प्लेक्स हो जा रहे हैं। हम देखते हैं अगर जो प्लेटीहेलमेंथीज में डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओनली अ सिंगल ओपनिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी बोथ माउथ एंड एनस एंड इज हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट। यानी जो हमारा प्लेटीहेलमेंथीज है, प्लेटीहेलमेंथीज में क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है। नेक्स्ट अगर उसी की बात करें, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस,
ठीक है ना। जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें दो ओपनिंग होते हैं, एक माउथ होता है एंड एक एनस होता है। इसी के बेस पर इसी तरीके क्या होता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, और दूसरा है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ओपन टाइप में क्या होता है, ओपन टाइप में क्या होता है, ब्लड इज पंप आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथड इन इट। यानी क्या होता है, जो हमारी बॉडी है, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो बॉडी कैसी होती है, एक बाउल की तरीके होती है, उसमें ब्लड भरा हुआ होता है, सारे ऑर्गन एंड टिश्यूज ब्लड में क्या होते हैं, डूबे हुए होते हैं। आर्थोपोडाज में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। अगर हम क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो ब्लड है वो आर्टरी वेन एंड कैपिलरीज में फ्लो होता है, इसको हम लोग क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, यानी ब्लड वेसल्स होते हैं, और जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं वो क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन को अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिमेट्री क्या होता है, अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं तो एनिमल कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। ठीक है, स्पंज जो होते हैं असेप्टिकल होते हैं, स्पंज कैसे होते हैं, असेमेट्रिकल होते हैं, यानी अगर उन्हें किसी भी प्लेन के थ्रू कोई अगर लाइन पास करते हैं तो डज नॉट डिवाइड इनटू इक्वल हाफ, वो दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं होते हैं। ऐसे सिमेट्री को हम लोग असेमेट्रिकल बोलते हैं, और स्पंज कैसे होते हैं, असेमेट्रिकल होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रेडियल सिमेट्री क्या होता है कि when any plane passing through a central axis of the body divide organized into two identical half is called radial symmetrical। ठीक है, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेट्स काइंड ऑफ बॉडी प्लेन। ठीक है, ये क्या है, इनमें क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होती है। किसमें सिलेंट्रेटा टीनोफोरा इकाइनोडर्मेटा, इनमें क्या होता है, रेडियल सिमेट्रिकल होती है। अब अगर हम बात करें कुछ एनिमल जैसे एनिलीड्स हैं और आर्थ्रोपोड्स हैं, ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल करते हैं, यानी इसमें क्या होता है, इनको दो इक्वल आइडेंटिकल में डिवाइड किया जाता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मिस नहीं करना है इसको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रायोब्लास्टिक। तो ऐसे एनिमल जिनमें दो एम्ब्रायनिक लेयर होती हैं, एक्सटर्नल होती है एक्टोडर्म और इंटरनल होती है इंडोडर्म, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, और सिलेंट्रेट एंड अगर एक एग्जांपल है सिलेंट्रेटा, इसके बाद क्या होता है, एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मीजोगीला। ये देखिए, ठीक है, ये एक्टो और इंडो के बीच में होती है, ठीक है ना, प्रेजेंट इन बिटवीन द इंडो एंड एक्टोडर्म। ठीक है ना, ये मीजोगीला होती है जो कि एक्टो और इंडोडर्म के बीच में सिचुएटेड होती है। सिलेंट्रेटा में क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। ठीक, अगर हम उसके बाद बात करें कि दोज एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रायनिक हैज थर्ड जर्मिनल लेयर मीजोडर्म, जिनमें मीजोडर्म भी आ जाती है, उसको हम लोग ट्रायोब्लास्टिक बोलते हैं। जैसे प्लेटियल मेंथीस टू कॉर्डेटा, प्लेटियल मेंथीस से लेके कॉर्डेटा तक, याद रखिएगा कितने, वो सब ट्रायोब्लास्ट है। प्लेटियल मेंथीस से लेकर कहाँ तक, कॉर्डेटा तक, सब क्या है, वो ट्रायोब्लास्ट है। ठीक है, अब वो ट्रायोब्लास्ट क्या होता है, इसको देखिए, ट्रायोब्लास्ट में क्या होता है, एक तो एक्टोडर्म होती है, एक इंडोडर्म होती है, और एक मीजोडर्म होती है, ये ट्रायोब्लास्ट होते हैं। और अगर जिसमें एक्टो और इंडोडर्म होती है वो केवल क्या होते हैं, वो डिप्लोब्लास्ट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग सीलोम पर बात करते हैं। ठीक है ना, सीलोम के बेस पर अगर हम देखें, सीलोम क्या है, कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाई मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। एनिमल पासिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स। ठीक है, यानी
कैविटी होती है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो कैविटी होती है उसको हम लोग सीलोम बोलते हैं, ठीक है। और सीलोम क्या होता है, अगर जिनमें सीलोम प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग सीलोमेट्स बोलते हैं, जैसे एनिलीड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एंडकॉर्डेटा और सीलोमेट्स, ये सभी क्या है, सीलोमेट्स। इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लेंड बाय द मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज द सेक्रेटेड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एक्टोडर्म सच एज द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीडोसीलोम, ठीक है ना। अब बॉडी कैविटी कैसी होती है, एक होती है सीडोसीलोम, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, अब सीडोसीलोम में क्या होता है, जो बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है, बल्कि वहाँ पर क्या होता है, मेसोडर्म प्रेजेंट इन द स्कैटर्ड पाउचेस, ये क्या होते हैं, पाउच के फॉर्म में होते हैं मेसोडर्म, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीडोसीलोम, ठीक है। सीडोसीलोमेट्स कौन कौन से होते हैं, एस्केहेलमेंथीज, ठीक है, कौन होते हैं, एस्केहेलमेंथीज। इसके बाद अगर हम बात करते हैं द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज अब्सेंट आर कॉल्ड असीलोमेट्स, प्लेटीहेलमेंथीज, प्लेटीहेलमेंथीज असीलोमेट्स होते हैं, ठीक है ना। प्लेटीहेलमेंथीज कैसे होते हैं, असीलोमेट्स होते हैं, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं सेगमेंटेशन की। आप लोग सेशन को लाइक करते चलिए और शेयर करते चलिए। अगर हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की, सेगमेंटेशन माने होते हैं खंड, क्या होते हैं, खंड। द सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू सेगमेंट्स, यानी बाहर रूप से और आंतरिक रूप से बॉडी क्या होती है, सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, देखो लिखा हुआ है ना, इंटरनली डिवाइड इनटू सेगमेंट्स विच सीरियल रिपीटेशन ऑफ लीस्ट सम ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, आपको सेगमेंट दिखाई देंगे। द बॉडी शो इन द पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और ये जो अर्थवॉर्म में जो सेगमेंटेशन होता है ना वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, एंड द फिनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज्म, और इस तरह का जो फिनोमेना है वो कैसा होता है, मेटामेरिज्म होता है, यानी जो अर्थवॉर्म की बॉडी है शो करती है पैटर्न, इसको हम लोग बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म किसका एक बहुत अच्छा गुण है, वो है अर्थवॉर्म का, यानी एनिलीडा का, ठीक। चल इसके बाद हम लोग बात करते हैं नोटोकॉर्ड्स के, नोटोकॉर्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, क्या करने वाले हैं नोटोकॉर्ड्स, नोटोकॉर्ड्स के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डिवाइड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल, जो कि एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के समय डोर्सल साइड पर दिखाई देने लगता है। एनिमल विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, अब जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको हम लोग बोलते हैं कॉर्डेट्स, एंड दोज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म इट दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स, उनको हम लोग नॉन कॉर्डेट्स, जैसे पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा, पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्म तक क्या है, नॉन कॉर्डेट्स हैं, बाकी सारे क्या हैं, कॉर्डेट्स आते हैं। कॉर्डेट्स में कौन कौन आ जाएगा, कॉर्डेट्स में मैमेलिया आ जाएगा, कॉर्डेट्स में आपके एम्फीबियंस आ जाएंगे, रेप्टाइल्स आ जाएंगे, वो सब किस में आ जाते हैं, वो कॉर्डेट्स में आ जाते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग ये तो हम लोग देख सीख चुके थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो क्लासिफिकेशन के ऑफ एनिमल को देखने के लिए हम लोग एक फ्लो चार्ट देखते हैं, जो कि बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, उस फ्लो चार्ट को हम लोग देखते हैं और ध्यान से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। एक फ्लो चार्ट बना हुआ है और फ्लो चार्ट बहुत ज़रूरी है। फ्लो चार्ट क्या होता है, दिमाग में एक तरीके से बैठ जाता है। अगर हम यहाँ बात करें एनिमल यानी मल्टी सेलुलर की, तो मल्टी सेलुलर एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, सेलुलर लेवल एंड टिश्यू या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेलुलर लेवल में क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, असिमेट्रिकल होते हैं, क्या होते हैं, असिमेट्रिकल होते हैं, असीलोमेट्स होते हैं, और इसमें आ जाते हैं पोरीफेरा, ठीक। उसके बाद टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को भी दो पार्ट में, पहले हम लोगों ने क्या किया, सिमेट्री के बेस पर दो पार्ट में डिवाइड किया, रेडियल सिमेट्रिकल और बायलेटरल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्रिकल मोस्टली असीलोमेट्स होते हैं, कौन कौन आएगा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। बायलेटरल में विदाउट बॉडी कैविटी यानी असीलोमेट्स में कौन आ जाएगा, प्लेटीहेलमेंथीज आ जाएगा। फॉल्स बॉडी कैविटी यानी सीडोसीलोमेट्स में कौन आ जाएगा, एस्केहेलमेंथीज आ जाएंगे। और देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि विद ट्रू सीलोम्स में कौन कौन आ जाएगा, ट्रू सीलोम्स में आ जाएंगे आपके पास एनिलीड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एंडकॉर्डेटा। ये सारे कैसे आ जाएंगे,
ये एक तरीके से सारे ट्रू सीलोमेट्स हैं, यानी इनमें सीलोम प्रेजेंट होती है, और बायलैटरल सिमेट्रिकल ये लोग शो करते हैं, एनिलीड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है बहुत छोटी सी जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जो इकाइनोडर्मेट्स है एग्जिस्ट रेडियल और बायलैटरल सिमेट्रिकल डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। अब ये क्या रेडियल सिमेट्रिकल भी शो करता है इकाइनोडर्मेटा और बायलैटरल सिमेट्री भी शो करता है अपने अपने स्टेज पर, इस स्टेज को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसको कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइलम पोरीफेरा के बारे में। वीडियो को लगातार लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और शेयर करते चलिए। हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे करके इन दो महीनों में बहुत अच्छा सा रिविजन करेंगे और लाइन बाई लाइन यहाँ पर क्या करेंगे एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।